हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तानिया। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर एक वीडियो के साथ, और जो आज की वीडियो है ये एक मतलब एक ऐसी वीडियो है जो एक सवाल पैदा करती है, जो एक बहुत कंसर्न की वीडियो है। और इस वीडियो 3-4 दिन पहले की है, पर इसे काफ़ी तरह की रिपोर्टिंग्स वगैरह मैं बहुत एक दो दिन बहुत डिसअपॉइंटेड मैं सोच रही थी, लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं, लाइक दिस इज़ वेरी मतलब डिस्गस्टिंग। मतलब ये हैवानियत की भी हद होती है, हद क्रॉस हो गई, वैसी कोई वीडियो है। वीडियो का मैं आपको टाइटल पढ़ के बताती हूँ। आफ्ताफ ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर जहाँ फेंके थे, उस थाने से मनीष कश्यप की ग्राउंड रिपोर्ट। ये सच तक न्यूज़ की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को फॉलो करिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। मतलब जिन जिन ने सुना उसका दिमाग तो ख़राब हो ही रखा। मतलब आप सबने सुना होगा ना, गुस्सा तो बहुत आएगा, मुझे ही बड़ा गुस्सा आया इन पे। चलिए देखते हैं और क्या थाने से, और क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, कुछ और इसके पीछे है। मतलब आई डोंट नो कि इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं, ऐसी हैवानियत कैसे कर जाते हैं, उसको इतना चिल भी रहते हैं, आई डोंट नो। चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। गया था और टुकड़ा करने के बाद जो है लड़की को एक डीप फ्रीजर में रखा गया था। उसके अंगों को बेच के कम से कम 2.5 करोड़ रुपया जो है कमाया गया। बिहार के नवादा में एक परिवार के 6 लोग जहर खा के मर गए हैं और उसकी सच्चाई क्या है कोई नहीं दिखा रहा। सैकड़ों वीडियो में बोलते आया हूं कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के इच्छा के बगैर कहीं भी शादी कर रही है तो वो गलत। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर लड़के लड़कियां जो है कोई नहीं तो कोई कांड ही करते हैं। आपका इतना प्यार पवित्र है तो दोनों के गार्जियन जो है संतुष्ट हो जाते हैं और दोनों जो है मंदिर या मस्जिद में बैठ के शादी कर लेते हैं। 30 टुकड़ों में बांट के रख दिया था और उसके बाद से हर रात 2 बजे बैग में उसके 2 भाग को पैक करके और मेहरौली के जंगलों में फेंका करता। अगर इस प्रकार का घटना घटता है, पुलिस के पास सारा सबूत है तो लटका दो ना 30 दिन के अंदर ऐसे ऐसे अपराधी। रिलेशनशिप पे सरकार जो है कानून बनाए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के कारण बॉलीवुड में अनेकों हत्याएं होते रहती है। सुशांत सिंह राजपूत उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी देश में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में थाना है, मैं उसी थाने के पास हूँ और ये दिल्ली का मेहरौली थाना है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बोला था, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। एक लड़की जो अपने माँ बाप का पगड़ी जो है गिरवी रख देती है, उसका माँ बाप तब परेशान होता है जब लड़की का कोई पता नहीं मिलता है। और उसी को ढूंढते ढूंढते उसके माँ बाप 8 नवंबर को दिल्ली के थाने में FIR कराते हैं और बाद में पता चलता है लड़की का 36 टुकड़ा कर दिया गया था। और टुकड़ा करने के बाद जो है लड़की को एक डीप फ्रीजर में रखा गया था और उसके सभी अंगों को जो है शायद से बेच दिया गया था जो बेचा जा सकता था, और जो नहीं बेचा जा सकता था उसको बैग में रख रख के हर दिन 2 पार्ट को जो है यहीं पे बगल में एक जंगल है उसमें फेंका जाता था। और इस देश के संविधान को एक नया नियम लगाना चाहिए कि कोई भी लड़का लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है तो सबसे पहले जिस प्रकार से शादी के लिए 2 गवाह की ज़रूरत है, वैसे ही लिव इन में रहने के लिए भी 2 गवाह की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर 2 गवाह नहीं मिलेंगे तो पता चलेगा यही अंजाम होगा और बाद में जो है आप गवाह ढूंढते रह जाएंगे और कोई गवाह नहीं मिलने वाला है कि आपका शरीर का अंग कहाँ गया, पार्ट्स कहाँ गया, किडनी किसने बेच दी, आंख किसने बेच दिया, लीवर किसने बेच दिया। और इस बच्ची जो जिसका नाम श्रद्धा था, उसका श्रद्धा तो पूरा हो गया लेकिन उसके अंगों को बेच के कम 2.5 करोड़ रुपया जो है कमाया गया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो तो पुलिस जांच करेगी तब सामने आएगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर चुनाव से पहले इस प्रकार की घटना जो है मीडिया में चर्चा का विषय बनता है। हर चुनाव से पहले, अभी गुजरात में चुनाव होने वाला है और उससे पहले ये चर्चा में है। हालांकि इस प्रकार की घटना जो है चुनाव से पहले भी होती है, चुनाव से बाद में भी होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो चर्चा का विषय होता है। अभी एक लड़की का हत्या हुआ है, कितने लड़की का, एक लड़की का, और सारा मीडिया जो है यहां से दिखा रहा है बिहार के नवादा में एक परिवार के 6 लोग जहर खा के मर गए हैं और उसकी सच्चाई क्या है कोई नहीं दिखा रहा है। वो 6 मौत
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक मौत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हैं का है? काहे कि इस एक मौत से पोलराइजेशन होगा और गुजरात में जो है वोटिंग पे असर पड़ेगा, और जो बिहार में 6 लोग जहर खा के मरे हैं वो 6 लोगों की मौत दिखाई जाएगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई TRP नहीं मिलेगा। ये है सच्चाई। लेकिन उस घटना को भी दिखानी जरूरी है, कैसे एक परिवार जो है सिर्फ 12 लाख के लिए जो है ना वो अपने पूरे परिवार को है जहर खिला दिया। बुड़ाड़ी में एक घटना हुआ था, दिल्ली के पास में घटना हुआ था, उसे जो है सभी मीडिया वालों ने 1 महीना तक दिखाया। ये एक मौत की कहानी जो है सभी चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चल रही है। तो फिर वो बिहार का एक परिवार जो 6 के 6 लोग जहर खा के मर गए, उनकी सच्चाई क्यों नहीं दिखाई जा रही है और उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है और उस पर CBI जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि उससे वोट पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ये श्रद्धा और आफ्ताब की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी तो पूरा देश जो है 2 भाग में बटेगा और इससे असर पड़ेगा। हालांकि श्रद्धा ने जो किया वो गलत, आफ्ताब ने जो किया वो गलत, और मैं आज से नहीं सैकड़ों वीडियो में बोलते आया हूं कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप के इच्छा के बगैर कहीं भी शादी कर रही है तो वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घटना से लोगों को सीखने की जरूरत है। और देखिए कि आज यहाँ पे मीडिया वाले आए हैं तो थाना का गेट भी बंद हो गया, देख सकते हैं, देखिए। और इस प्रकार की घटना जो है देश में अक्सर घटते रहती है, लेकिन घटना को कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये टोटली डिपेंड करता है देश में चुनाव कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से होने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जितना शिद्दत के साथ हम लोग इस घटना को दिखा रहे हैं उतना ही शिद्दत के साथ हम लोग जो है बिहार के उस नवादा की घटना को भी दिखाते जहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई। अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी फ्लैट लगाने वाला, कोई भी एजेंट, कोई भी दलाल जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपना फ्लैट, बिल्डिंग, मकान दे रहा है तो सबसे पहले उनके माता पिता का भी आधार कार्ड मांगे और उन लड़कों का भी आधार कार्ड मांगे, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले अक्सर लड़के लड़कियाँ जो है कोई नहीं तो कोई कांड ही करते हैं। अगर आपका इतना प्यार पवित्र है तो दोनों के गार्जियन जो है संतुष्ट हो जाते और दोनों जो है मंदिर या मस्जिद में बैठ के शादी कर लेते, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं जो है गार्जियन संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप लोगों को मजबूरी में लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा है। तो सरकार को एक नियम लगाना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके माता पिता का आइडेंटिटी कार्ड जो है रूम लेने से पहले देना अनिवार्य होगा। और अगर ऐसा नियम लगता तो शायद जो है इस प्रकार की घटना जो है वो नहीं घटती, या इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है, 90% इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। मुंबई से घटना की शुरुआत हुई थी, कुछ लोग कह रहे हैं डेटिंग एप्लीकेशन से, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉलेज स्कूल के दिनों से ही वो लड़का जो है लड़की को छेड़ता था, लड़की को परेशान करता था, लड़की को पटाने का प्रयास करता था। अब सच्चाई क्या है वो धीरे धीरे सब सामने आएगा, लेकिन इस देश के सभी नौजवानों को ये कहानी देखनी चाहिए। जरा सोचिए, जब आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते हैं तो किसी लड़के से कैसे प्यार कर सकते हैं, किसी लड़की से कैसे प्यार कर सकते हैं। और हाँ, देखिए कमाल की बात यह है कि जिस माँ बाप का पगड़ी जो है श्रद्धा नाम की लड़की गिरवी रख के मार्केट में उछाल के चली आई थी, वही माँ बाप पहले मुंबई में FIR करते हैं, फिर मुंबई में जब नहीं मिल पाता है तो वो दिल्ली में 8 नवंबर को आके इसी थाने में FIR करते हैं। और जब इस थाने में FIR होता है तो पुलिस छानबीन में लगती है और उसके बाद से पता चलता है क्या कि एक डीप फ्रीजर में आफ्ताब नाम का लड़का जो है श्रद्धा को 36 टुकड़ों में बांट के रख दिया था। और उसके बाद से हर रात 2 बजे बैग में उसके 2 भाग को पैक करके और मेहरौली के जंगलों में फेंका करता था। अगर उन दोनों में से किसी के भी गार्जियन इस बात को जानते हैं तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं घटती। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में और अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने से फांसी के फंदे तक लटकाने तक जो है 8 साल का समय लग गया था। अब जरा सोचिए, अगर इस प्रकार का घटना घटता है, पुलिस के पास सारा सबूत है, तो लटका दो ना 30 दिन के अंदर ऐसे ऐसे अपराधियों को, देखो देश में खौफ का माहौल हो जाएगा। और कोई भी लड़का लड़की प्यार करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, अपने माता पिता को नाराज नहीं करेंगे। और कोई भी लड़का जो है किसी श्रद्धा को जो है बेवजह जो है वो काट के डीप फ्रीजरों में नहीं रखेगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम हुआ आपका?
मैं नहीं बता। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या नाम हुआ? सूरज। देखिए नाम पूछा तो भाग गया, यही भारत का युवा है जो देश बदलने की बात करते हैं। सर आपका फैन है। अच्छा, इस प्रकार की घटना जो है वो ना घटे उसके लिए मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? सर फांसी देना चाहिए। फांसी देना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसको जिंदा लटका कर खुट्टी खुट्टी काट देना चाहिए, क्या ऐसा दोबारा हो ना। मनीष भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक श्रद्धा की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच करना चाहिए। ये सिर्फ एक श्रद्धा के साथ नहीं हुआ है, मामले को बीते 6 महीने हुआ है, 6 महीना में पता नहीं उसने कितनी श्रद्धा को बर्बाद करके फेंक दिया होगा मेहरौली के इस जंगलों में, पता नहीं है। जब एक पत्रकार ने मेरे से सवाल पूछा था कि एक हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मैंने जवाब दिया था कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। उस समय मुझे खूब ट्रोल किया गया था, खूब ट्रोल, और आज वही लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार का घटना नहीं घटना चाहिए। अच्छा, ये श्रद्धा और अफताब की कहानी आप लोगों को पता है? नहीं, हम तो हम यहाँ रहते ही नहीं है, पहली बार हम इधर के नहीं है, हम नहीं रहते नहीं है, लेकिन खबर आई थी हम लोगों को, पता भी चला। हाँ। तो जैसे कि वो रहती थी, चाहे जो भी है उसका जो भी मैटर था, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके वजह से सारे फिर बदनाम भी हैं और फिर सारे लोग ही, मतलब जो भी है कि सबके ऊपर ये बात आ रही है, फिर हम उसके उनके वजह से हमारे पेरेंट्स भी ये कहेंगे कि तुम दूर से आते हैं और तुम लोग जा रहे हो तो हमारा भी आना जाना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग को भी डर घुस गया हमारे मन में, तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। डर क्यों घुसेगा? आप अपने माता पिता को बिना बताए जो है प्यार करती हैं क्या किसी लड़के से? अगर नहीं करती है तो क्यों डर घुसेगा? बिना बताए प्यार तो नहीं करते हैं, माँ बाप को तो ये पता है कि हम सेंटर जा रहे हैं, उसके बाद उन्हें वो मुस्लिम लोग नहीं गलत करा है, हिंदू और मुस्लिम एक सिख भाई नहीं हो सकता है, मुस्लिम ही गलत बैठने का। श्रद्धा और अफताब की कहानी को सुनने के बाद लोग इतने आहत हो गए हैं कि कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, और हर घटना के बाद इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप लोगों को देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग चौक चौराहों पे, अलग अलग सड़कों पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ विरोध प्रदर्शन करके उस फोटो को सोशल मीडिया पे डालना ही एक लक्ष्य होगा तो इस प्रकार का घटना नहीं रुकेगा। और हाँ, अगर पूरे शिद्दत के साथ देश के हर एक कोने में इस प्रकार की घटना का विरोध होगा और संविधान में कुछ नया प्रावधान को ऐड किया जाएगा, तब जाके इस प्रकार का घटना रुकेगा। और इस देश में अगर कोई भी लड़की किसी लड़के का हत्या करता है या लड़का किसी लड़की की हत्या करता है तो उसे 1 महीना के अंदर अंदर सजा दिया जाना चाहिए और फांसी की सजा दिया जाना चाहिए। और जिस दिन ये प्रावधान हो जाएगा शायद इस प्रकार का घटना जो है वो 90% तक रुक जाएगा। बस विनती है कि इस प्रकार का घटना देश में दोबारा ना घटे, इसके लिए हर प्यार करने वाले जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले अपने माता पिता को राजी जरूर कर ले और लिव इन रिलेशनशिप पे सरकार जो है कानून बनाए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप के कारण बॉलीवुड में अनेकों हत्याएं होते रहती है, सुशांत सिंह राजपूत उसका जीता जागता उदाहरण है, और देश के अनेकों कोने में हर दिन इस प्रकार की हत्याएं होती है। लेकिन चर्चा तब होता है जब ये हत्या जो है इंटर रिलीजन होता है और चुनाव के समय में इसकी जानकारी जो है मीडिया के सामने आती है। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास और इस प्रकार की घटना आगे ना घटे, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ही ख़त्म, और जब से मतलब जिस दिन से मैंने ये वीडियो देखा है या सुना है उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को सोच के मतलब इतना अजीब लग रहा है कि कोई इंसान इतना क्रूएल, मतलब इतना हत्यारा और इस तरह से मतलब दरिंदा कैसे हो सकता है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे, कुछ लोग कह रहे उसकी लड़ाई हो गई थी और उसने श्रद्धा का गला दबा दिया था और तब तक दबाए रखा था जब तक उसकी जान चली जाए, जान मतलब उसकी जब चली गई तो फिर छोड़ दियो और फिर उसके बाद वो जाके फ्रिज खरीद के लाया और मतलब उसकी हिम्मत देखो, फिर फ्रिज खरीद के लाया और फिर उसको बाथरूम पता क्या क्या किया, लाश के टुकड़े किए, आई डोंट नो, उसके बाद मतलब और उस दिन वो मारने के बाद उसी लाश के साथ सो गया। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मतलब आप कैसे, मतलब उसको नींद कैसे आई इस आदमी को? और ये आदमी मतलब मैं बताऊँ क्या बताऊँ, ये आदमी मतलब होते ना इस तरह के जो लोग होते हैं वो सारी क्वालिटीज़, ये एक फूड ब्लॉगर था, फूड ब्लॉगिंग करता था, सोशल मीडिया पे ऐसे से पोस्ट डालता था कि औरतों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वुमेन शुड नॉट बी लाइक ऑब्जेक्टिफाइड, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये सारे सेक्युलर पोस्ट डालता था।
और सिर्फ सेकुलर दिखाता, जो आजकल की लड़कियों को बहुत मतलब समझती नहीं है या समझना चाहती नहीं है या जो दिखता उसके पीछे भाग जाती है। मैं सिंपल सिंपल एक बात कहती हूँ कि जो एक ये बात कहे थे कि मतलब मैं इतना, लोग मुझे भी ट्रॉल कर सकते हैं कि मैं आई एम लाइक टोटली अगेंस्ट ऑफ इंटर रिलीजन मैरिज। मैं आई डोंट नो क्या है इंटर, लेकिन क्योंकि ना सक्सेसफुल रेट बहुत कम है, हो सकता है इक्का दुक्का बहुत सक्सेसफुल हुए होंगे, आई डोंट नो, बट नहीं होना चाहिए। एक तो पहले आपने, पहली बात तो आपके पेरेंट्स इतना हार्ड होते हैं, हमारे कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, और रिस्क तो इतना रहता है ना, इतना रहता है उस चीज़ का कि अब मैं बता नहीं सकती इस तरह से रिस्क। मतलब मैं जितने भी लोग हैं, जितनी भी लड़की, मैं कहती हूँ कि ये लोग जो लोग होते हैं ये अपने पहले अपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं प्रॉपर, बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे, बहुत अपने क्वालिफाइड दिखाएंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कि नो मैं तो इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, लड़का लड़की सब इक्वल है, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट, डू नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दिस हनी बीज। बोले ना, जो मीठी मीठी बातें करते हैं उनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए आप। और ये मैं शुरू से कह रही हूँ, देखिए मैं हूँ या मेरे साथ की सब लड़कियाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है, मैं अपने घर का बताऊँ, इतना घर में ये सारी चीज़ों की बात नहीं होती, किसी के घर में इस बारे में बात नहीं होती है, अब होने लगी है जब हम इतने बड़े हो गए, छोटे से ये चीज़ के घर में बात नहीं होती है, और इसी वजह से हम हिंदूज में इतना हेट्रेड भी नहीं, पर धीरे धीरे जब हम खुद बड़े होते हैं चीज़ों को रियलाइज करते हैं तब गुस्सा आता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस ऐसे ही क्यों हो रहे हैं जिसमें एक रिलीजन के लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ हो सकता है कि हिंदू रिलीजन भी ख़राब हो, कभी कभी इनसे भी गलती हो, पर ज़्यादा वहीं का चांस क्यों हो रहा है, और वो एक टारगेट की तरह, ओके दिस इज़ अ टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, एक लिस्ट बना लेते हैं, अच्छा एक साल में तीन लड़की या 10 साल में 5 लड़की, या उनका ब्रेन इस तरह वॉश होता, मतलब ब्रेन वॉश किया हुआ होता, मतलब आप सोच के देखिए कि कितना ट्रेंड इंसान होगा। मतलब मैंने जब एक बात सुनी कि जब उसने श्रद्धा को मार दिया तो वो उसके इंस्टाग्राम से, उसके फेसबुक, उसके दोस्तों से बात करता कि उनको लगे कि ये अभी जिंदा है, वो उसे क्रेडिट कार्ड के बिल पे करता था, उसके जितने भी मंथली सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं वो सब पे, सोचिए मतलब सब कुछ ऐसा करने के लिए कि मतलब बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन वगैरह करता था कि सब कुछ लगे कि मतलब हाँ एक जो जिंदा इंसान करता है ना, कि डिजिटल उसको जिंदा रखे रहे, लोगों को शक ना हो। पर कितने दिन तक ये चलेगा, कितने दिन तक, और मतलब उसकी हिम्मत देखो, और फिर भी वो उसी घर में रह रहा था, सोचिए उसका ब्रेन का लेवल कितनी दरिंदगी भरी है उसके। और लोग कह रहे हैं कि पुलिस इस बात से परेशान है कि जब उसको कस्टडी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत काम उनके क्वेश्चन, मतलब बहुत कामली उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, पुलिस हिंदी में पूछ रही है पर वो हर क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, उसको उससे छुपाने मदद मिल रही है क्या, मतलब बहुत ट्रेंड दिमाग का है क्या है, या वो जो बोला है वो पुलिस को कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर दे, सच्ची कहानी कुछ और है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी भी रियल ट्रुथ नहीं आया है, और पुलिस इसीलिए इस चीज़ को भी पूरा जांच का मतलब एक कंप्लीट, और कितनी कितनी लड़कियों को ले आया है, और ऐसे और कौन कौन लोग हैं भाई, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं बार बार कहती हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ और मेरे से जितने लोगों से, मैं कहती हूँ भाई नहीं करना चाहिए। बस मेरी यही राय है कि अगर आप मुझे कहें कि हाँ बैकवर्ड हो आप, इंटर रिलीजन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे या ये सब चीज़ें आज भी देख रहे हो, तो ठीक है मैं बैकवर्ड ही सही, बट आई वांट लाइक बैकवर्ड है ना सही, मतलब बैकवर्ड कह लो कुछ कह लो, बट आई वांट टू बी सेफ एंड आई एम प्राउड हिंदू। मैं फालतू इस ये सारे फालतू काम नहीं करना चाहिए, और मैं खुद बोल रही हूँ लाइक यू कैन रिस्पेक्ट वन रिलीजन, मैं उसके रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ठीक है रिस्पेक्ट तक ठीक है, बट अब मैं उस इंसान से शादी करने जाऊँ, मैं इंसान से डेट करने जाऊँ, नो, बिग नो। अगर आप लोगों को भी सेफ रहना है तो प्लीज़ यार, इंडिया इतना बड़ा, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना पॉपुलेशन इंडिया में है, मेजॉरिटी हिंदूज़ की है, तो गो फॉर योर रिलीजन ना, गो, एटलीस्ट आपके सेफ्टी के चांस, इतनी दरिंदगी नहीं होगी उसके अंदर, नहीं होगी इतनी दरिंदगी। मतलब मैं यही सोच रही थी कि मतलब हिंदू लड़कियाँ भी ख़राब होती है, धोखा देती है, लड़की भी ख़राब होती है, वो भी धोखा देती है, पर धोखा दे दिया, डिच कर दिया, छोड़ दिया, पर इस तरह से हैवानियत नहीं होगी, टारगेट कंप्लीट करने का चांस, वो फ्रिज में बंद किया, ऐसे किया, सो मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगा, बहुत ज़्यादा मुझे तो, मतलब ये सब चीज़ें जो मैं सोचती हूँ कि हाँ मैंने जो मेरे मन में था ये बात, लाइक शुरू से एक था मेरे अंदर कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब और उनका बहुत लोगों का मिसयूज़ होता है, वो लोग मिसयूज़, बहुत लोग डर के अपने फैमिली में बता नहीं पाते, बट बी सेल्फ अवेयर भाई, अपने को अवेयर रखो, अलर्ट रहो, यही मैं कहना चाहूँगी हर लड़की से, बिकॉज
आप भी बिग बॉस दुनिया एक्सप्लोर करने का हर लड़की का मन करता है, मेरा भी करता है, आप सबका करता होगा, मेरे लड़कों का भी करता है, एक्सप्लोर एवरीथिंग बट बी अलर्ट। सो अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ जितना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज, योर कम जो कमेंट आते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं कभी एक दो दिन का गैप कर देती हूँ, लगता है ओह माय गॉड मैंने फिर गैप कर दिया, मुझे गैप नहीं करना है। सो प्लीज़ मोटिवेट मी, और जिस दिन मेरी वीडियो ना आए मुझे ढेर सारे कमेंट करो कि वीडियो लेके आओ, वीडियो लेके मैं फटफट वीडियो बनाऊंगी। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।